वारदात इतनी अहम है सर, और मैं बहुत शुक्रिया कि आपने किसी खातून को भी इजाज़त दी, क्योंकि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबकी माँ थी, और बशमूल मर्द जितने भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन ख़वातीन को भी आप ज़रूर इजाज़त देंगे कि वो मूव करें रेजोल्यूशन। थैंक यू सो मच सर। सुबह असम्बली के कवायद और जवाबित 256 के तहत करारदाद दरियाए इल्म अजर रिसालत हैं फातिमा, कुरान इख्तसार फसाहत हैं फातिमा, महरूम अद रूह अदालत हैं फातिमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हैं फातिमा, राज हयात बिनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में माँ ऐसी हमने देखी नहीं कायनात में। मैं सहवान की तवज्जा इस अहम मामले पर दिलवाना चाहती हूँ कि सूबा सिंध सूफ़ा इकराम की धरती और बाबुल इस्लाम है। सिंध को लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, अब्दुल्ला शाह गाजी, दीगर बुजुर्गान दीन का फैज़ हासिल है। सूफ़ा इकराम की दर्जगाह नबी आखिर जुमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लखते की लखते जिगर हज़रत सैयदा फातिमा को समझा जाता है। खातून जन्नत हज़रत सैयदा फातिमा ज़ोहरा की सीरत और तारीफ किसी की मोहताज नहीं। इनकी जीनत और इज्जत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अदब से खड़े हो जाते हैं, जबकि इनकी कब्र मुबारक जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में है। जन्नत की खवातीन की सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर शेर खुदा की अहलिया और जन्नत के नौजवान के सरदार हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा, जिन्हें उम्मुल अंबिया यानी अंबिया की माँ कहलाने का लकब हासिल है। अफसोस कि इनकी कब्र मुबारक बेसाया और बग़ैर छाँव के है। सूफिया कराम से मोहब्बत और सूफियों की धरती जिसे सिंध कहा जाता है, यहाँ के बासियों की ये बात शदीद रंजो गम में मुब्तला है। सिंध का ये मुंतखिब ऐवान हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालिबा करता है कि वो सऊदी अरब के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए हज़रत सैयदा फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़े मुबारक की तामील के लिए इकदाम करे। अगर इस मुकद्दस फरीजे को मुकम्मल करने में कोई माली रुकावट हो तो मैं नुसरत सैर अब्बासी और तमाम ऐवान ये जो इस वक्त बैठा है असम्बली में और स्पीकर साहब आप खुद, हम सब अखराजात अदा करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया।